एग्जाम्पल एग्जाम्पल फाइंड द ऑर्डर ऑफ द परम्यूटेशन एल्फा। इस एग्जाम्पल में हमें एक परम्यूटेशन एल्फा गिवन है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको परम्यूटेशन को दोबारा लिखते हैं कि एल्फा इज इक्वल टू, आपके पास देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये परम्यूटेशन है। और इसके नीचे जो सेकंड रो है उसमें 2, 3, 4, 1, 7, 9, 6, 5, 8, 12, 11, 10। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, हम पहले इसको साइक्लिक परम्यूटेशन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1, 2 पर मैप हो रहा है, 2, 3 पर मैप हो रहा है, 3, 4 पर मैप हो रहा है और 4, 1 पर मैप हो रहा है। हम 1 से स्टार्ट हुए थे, 1 पे ख़त्म हो गया, ये एक साइकिल हो गया। 5 जो है वो 7 पर मैप हो रहा है, 7 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है, 6 जो है वो 9 पर मैप हो रहा है, 9 जो है वो 8 पर मैप हो रहा है और 8 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है। यानी हम 5 से स्टार्ट हुए थे, 5 पर एंड हो गया। अब आप देखें कि अब आगे 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 जो है 12 पर मैप हो रहा है और 12 जो है वो 10 पर मैप हो रहा है। 10 से स्टार्ट किया, 10 पे एंड हो गया। अब ये है 11, 11 जो है वो अपने आप पर मैप हो रहा है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन हमने लिख दी हैं। अब हम इसको मुख्तसर हम इसको साइक्लिक नोटेशन में लिखते हैं। 1, 2 पर मैप हो रहा है, 2, 3 पर मैप हो रहा है, 3, 4 पर मैप हो रहा है, 5, 7 पर मैप हो रहा है, 7, 6 पर और 6, 9 पर और 9, 8 पर मैप हो रहा है, 10 जो है वो 12 पर मैप हो रहा है, 11 चूँकि 11 पे मैप हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। देखें ये जो आपके पास साइक्लिक परम्यूटेशंस आ गई हैं 1, 2 और ये 3, इसको आप कह दें एल्फ़ा 1, इसको कह दें एल्फ़ा 2, इसको कह दें एल्फ़ा 3। तो अब आप देखें कि एल्फ़ा 1 की जो लेंथ है वो क्या है। लेंथ ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन एल्फ़ा 1 इज इक्वल टू ये है 4, और जो लेंथ है ऑफ एल्फा 2 वो क्या है 5, और इधर जो लेंथ है एल्फा 3 की वो 2 है। अब हम चेक करते हैं कि जो एलसीएम है 2 का, 5 का और 4 का वो क्या है। तो वो आप देखेंगे कि वो 20 आता है। तो जो ऑर्डर है परम्यूटेशन अल्फा का वो 20 है। सो द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन अल्फा इज इक्वल टू 20, और यही आंसर है।